गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई एम पीयूष सिंह गहरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। सो पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से जो ये आप सभी को ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उससे आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपकी स्टडी में। एग्जैक्टली ओके, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताया था कि एएसपी का यूज़ करके हम सर्वर पेज बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक वेब ब्राउजर होता है, दूसरा वेब सर्वर होता है, राइट। आज हम उसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से हम एएसपी का यूज करके सर्वर पेज क्रिएट करते हैं और एक सिंगल सिस्टम पर ही हम क्लाइंट और सर्वर दोनों बना करके किस तरह से रन करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर इनकेस हमारे पास कई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमें क्या पढ़ा था कि सर्वर पेज हम कहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जहाँ एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, बट वी हैव जस्ट अ सिंगल सिस्टम, देन वी हैव टू मेक क्लाइंट एंड सर्वर विद इन अ सिंगल सिस्टम, राइट। एक ही सिस्टम में क्लाइंट और सर्वर दोनों बनाने होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एएसपी पेज क्रिएट करते हैं। एएसपी को, एएसपी की कोडिंग को हमेशा एचटीएमएल के कोड के साथ मिक्सअप करके बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक ही आउटपुट को हम एचटीएमएल से भी देखेंगे और एएसपी से भी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी आउटपुट को एचटीएमएल से क्रिएट करना चाहते हैं वेब ब्राउजर पर और वही चीज़ अगर हम एएसपी से क्रिएट करें तो दोनों में डिफरेंस कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमें आउटपुट के रूप में चाहिए, जिसके लिए हम अगर HTML पेज बनाएं और HTML अगर कोडिंग करेंगे, हमें स्टेटमेंट क्या अपडेट करना है, सिंपल दिस इज अ वेब पेज, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए हमें HTML में कोड लिखना हो तो वो कोड कैसा होगा, पहले देखते हैं हम HTML। So, this is the code. HTML का ऐसा कोड लिखते हैं, अगर हमें ये मैसेज प्रिंट करना, दिस इज अ वेब पेज, क्या लिखा हमने, HTML एंड टाइटल में HTML पेज दिया एंड बॉडी के अंदर में लिख दिया दिस इज अ वेब पेज, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। अब इसके बाद जब इस पेज को हम सेव करेंगे, सेव कैसे करते हैं, HTML पेज को हम प्रोग्राम, HTML पेज को हम अपने पूरे सिस्टम में कहीं पर भी किसी भी ड्राइव, किसी भी फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने एग्जांपल लिए, डी ड्राइव के अंदर एक माई वेब नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने M1 इस फाइल का नाम .html नाम से इसको स्टोर कर दिया। अभी इसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है, वेब ब्राउजर में ओपन ऑप्शन में जाएंगे या फिर कंट्रोल ओ जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ओ ओपन की शॉर्टकट की, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, इस पे बटन होती है ब्राउज, हम क्लिक करते हैं ब्राउज बटन, इस पर क्लिक करते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां पर हम अपनी फाइल m1.html डी में माइनर में m1.html जाकर अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वेब ब्राउजर में m1.html वेब पेज ओपन होता है, उस पर हमको ये आउटपुट दिखाई देता है, दिस इज अ वेब पेज, ये हमारे सामने डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था HTML के थ्रू इस मैसेज को प्रिंट करने का। अब सेम यही आउटपुट सेम यही रिजल्ट, सेम यही पेज हमें बनाना है एएसपी का यूज करके। तो अगर यही काम हम एएसपी के थ्रू करें तो एएसपी में जाइए, देखते हैं एएसपी में कैसी कोडिंग बनती है। ओके, दिस इज द एएसपी कोड, सेम एचटीएमएल में जो हमने आपको जनरेट किया वही आउटपुट अगर हम एएसपी पेज से जनरेट करने के लिए कोड करते हैं तो वो कोड ऐसा होगा। अब देखिए यहां तक सेम है, एचटीएमएल में जहां पर बॉडी तक जो हमने लिखा था यहां पर सेम होगा, इधर देखिए यहां भी सेम होगा, केवल डिफरेंस यहां पर, यहां पर हमने क्या किया था एचटीएमएल में बॉडी के बाद बॉडी ओपन क्लोज के बीच में सीधे हमने अपना सेंटेंस लिख दिया था, बट यहाँ पर बॉडी ये स्टार्ट हुई यहाँ पर क्लोज हुई, इसके बीच में इस मैसेज को
राइट। तो राइट टू एक क्या है, फंक्शन मेथड जिसका यूज डाटा को प्रिंट करने के लिए होता है। बाद में रिस्पॉन्स क्या, व्हाट इज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है। पूरा जो वेब आर्किटेक्चर, जो पूरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और सर्वर प्रोग्रामिंग चलती है, ये केवल दो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। सारा काम, पूरा इंटरनेट चल रहा है केवल दो ऑब्जेक्ट पर, रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अगर आई रिक्वेस्ट है थोड़ा सा उसको समझ लें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है जब कोई यूजर अपने कंप्यूटर में काम करता है, ठीक है, वो डाटा जब सेंड करता है, वो डाटा का हम उसमें सर्वर के पास, ये हो गया यूजर या क्लाइंट। तो जब डाटा यूजर के कंप्यूटर से सर्वर की ओर जाता है उस समय काम करता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और जब डाटा सर्वर यूजर के कंप्यूटर में भेजता है तब कौन काम करता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। बात समझ में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। केवल दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि जब यूजर से डाटा सर्वर में जाता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जब सर्वर से यूजर के पास जाता है तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, सपोज फेसबुक आपको अपने कंप्यूटर पे ओपन करना है, तो आप क्या लिखते हो, www.facebook.com, एंटर, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर किया तो ये जो आपने लिखा ये रिक्वेस्ट के रूप में इसको सर्वर तक कौन ले जा रहा है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। आपके लिखे हुए डाटा को रिक्वेस्ट के रूप में लेके जा रहा है कौन, सर्वर के पास, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब वहां तक पहुंच गया सर्वर ने, फेसबुक को अपने अंदर ढूंढा कि यूजर ने क्या मांगा है, facebook.com, तो ढूंढेगा सर्वर कहां पर मिल गया, तब वो सर्वर आपके पास facebook.com भेजेगा। तो सर्वर से आपके पास तक कौन लेके आएगा facebook.com, रिस्पॉन्स। समझ में आएगा, जब हमारे कंप्यूटर से डाटा सर्वर में जाएगा तो काम करेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जब सर्वर से डाटा हमारे कंप्यूटर में लोड होगा तो काम करेगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। और यहां पर दिमाग में वही करना है, ये क्या है, सर्वर पेज कहां पर है, सर्वर पर, ठीक है। पर हमें डाटा प्रिंट कहां करना है, ये मैसेज प्रिंट कहां करना है, यूजर के कंप्यूटर पर, यानी सर्वर से इस डाटा को हमें यूजर को भेजना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट चलेगा, सर्वर से यूजर को भेजना है, सर्वर से डाटा यूजर को भेजना है, तो क्या काम करेगा, रिस्पॉन्स। क्लियर, इसलिए यहां पर लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। तो ये इस मैसेज को यूजर के कंप्यूटर पर प्रिंट करेगा, ये लाइन क्लियर। अब ये हमें नई चीज दी गई है, और ये व्हाट इज दिस, ये जो लगा इसके बीच में हमने अपना मैटर लिखा है, लास्ट में इसको क्लोज कर दिया, ये ओपनिंग है क्लोजिंग, इसको कहा जाता है डेलिमीटर, दीज आर डेलिमीटर्स। हमेशा डेलिमीटर के बीच में ही हम एएसपी का कोड लिखते हैं, एएसपी के कोड को हमेशा डेलिमीटर के बीच में लिखा जाता है, बात आती है क्यों लिखा जाता है, इसकी वजह यह है कि हम एएसपी के कोड को एचटीएमएल के साथ मिक्स करके लिखते हैं। एचटीएमएल को तो वेब ब्राउजर भी एग्जीक्यूट कर लेता है, रन कर लेता है, उसका आउटपुट निकाल लेता है, ठीक है, लेकिन एएसपी को कौन एग्जीक्यूट करता है, लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि एएसपी को एग्जीक्यूट, कंपाइल और आउटपुट जनरेट का काम करने का कौन करना है, वेब इंजन, जो कि वेब सर्वर पर होता है, ठीक है, तो वेब इंजन इसको एग्जीक्यूट करता है, बाकी एचटीएमएल को ब्राउजर कर लेगा। तो HTML और ASP दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, तो वेब इंजन कैसे पहचानेगा कि कौन सा पार्ट HTML का है और कौन सा ASP का है, ठीक है, तो वेब इंजन आसानी से आइडेंटिफाई कर सके और केवल ASP वाले कोड को उठा करके एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए हम डेलिमीटर लगाएंगे, जहां से डेलिमीटर उसको दिखेगा वो समझ जाएगा भाई कि यहां से ASP की कोडिंग शुरू हो गई और जहां पर एंड हो गया, मतलब केवल इतना ही पार्ट वेब इंजन को एग्जीक्यूट करना है और इतने का ही आउटपुट निकालना है, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। तो एएसपी आइडेंटिफाई कर सके वेब इंजन, इसके लिए यूज किया जाता है डेलिमीटर, क्लियर। अब बात आती है इसको स्टोर करने की, सेव करने की, तो एचटीएमएल की तरह एएसपी पेज को हम कहीं भी सेव कर दें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका एक नियम होता है, क्योंकि इसको हमें कहां रखना होता है, जैसे सर्वर पेज, नॉट अ एचटीएमएल पेज, सर्वर पेज को हमेशा सर्वर पे ही रखना होता है, ठीक है। और लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में मैंने बताया था कि सर्वर हम किसे कहते हैं, सी आई एम अब www रूट, इस फोल्डर को कहा जाता है वेब सर्वर, इसी पे होता है वेब इंजन, ठीक है। तो हमेशा आपको सर्वर पेज को www रूट के अंदर स्टोर करना है, तो इस पेज को स्टोर करके इस नाम
इसके बाद इसको रन करने की बात आती है, अब हमें इस पेज को एग्जीक्यूट करना है, यानी वेब सर्वर वेब ब्राउजर पर इसका आउटपुट देना है। तो इसका आउटपुट हम इस तरह से वेब ब्राउजर पर नहीं देख सकते, जैसे एचटीएमएल पेज को हमने ओपन किया, ब्राउज किया, बॉक्स आ गया, उस पर हमने अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया इस लोकेशन से, फाइल ओपन हो गई, ऐसा नहीं है। ये सर्वर पेज है, ठीक है, सर्वर पेज मतलब सर्वर में रखा हुआ पेज। अब सर्वर जो वेब सर्वर है, इंटरनेट का वेब सर्वर है, उसमें जो वेबसाइट होती है, क्या आप किसी तरह खोलते हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको facebook.com खोलना है तो क्या आप ओपन पे क्लिक करने जाओगे? नहीं, कैसे ओपन करोगे? www.facebook.com, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सर्वर पे है। सर्वर पे हमें क्या पता सी ड्राइव कहाँ, डी ड्राइव कहाँ, ई ड्राइव कहाँ, वहाँ की ड्राइव क्या जाने, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने सर्वर डिस्कोर कर दिया, लेकिन ये जो लोकल वेब सर्वर है हमारा IIS, उसको हम www ले, उसकी जगह भी लिखे जाते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। एड्रेस बार जहाँ पर आप लिखते हो www.yahoo.com facebook.com, वहाँ पर आपको www की जगह लिखना है लोकल होस्ट, यानी आपका लोकल वेब सर्वर होता है IIS। आप जैसे ही लोकल होस्ट लिखते हो मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए, आप यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद लोकल होस्ट के अंदर कौन सी फाइल ओपन करनी है आपको? mail.asp। जैसे ही आप इतना लिख करके एंटर करेंगे तो आपके सामने वेब ब्राउजर पर आपको ये आउटपुट दिखाई देगा, क्लियर। तो ये है तरीका किसी सर्वर पेज को ओपन करने का। सर्वर पेज को सेम हम उसी तरह से ओपन करते हैं जिस तरह से इंटरनेट पर वेबसाइट ओपन करते हैं, क्लियर। तो अगर आप सभी इसको, अगर आपको कोई सिस्टम है आपके पास, तो आप सभी इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके आगे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह के प्रोग्राम्स होंगे ASP के, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।